बड़े दिनों से डिमांड आ रही थी एक डोबरमैन से रिलेटेड वीडियो की, जो कि थी डॉग फूड, डोबरमैन की डाइट एंड क्या क्या सप्लीमेंट आपको देने चाहिए एंड क्या क्या सप्लीमेंट्स मैं अपने डॉग को देता हूँ। सो आज की वीडियो में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज़ द बेस्ट डॉग फूड फॉर योर डोबरमैन एंड क्या क्या डाइट एंड क्या क्या सप्लीमेंट्स मैंने अपने डॉग को दिए जिससे मुझे रिजल्ट आए। ऑल्सो ये वीडियो डिस्क्लेमर है, इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं किसी भी ब्रांड को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने उसका एक्सपीरियंस किया उसी बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे को क्या रिजल्ट मिले एंड क्या नहीं मिले। सो वीडियो शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा मैं अपनी डॉग से भी मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से वो चैनल पर आई नहीं है। सो अभी वो मेरे साथ ही है, सो मिलवा लेते हैं अभी ज़रा। एक बार सबको हाय बोल दे परीश। सो ये है मेरी फीमेल डोबरमैन जो कि अब ऑलमोस्ट 2 साल की हो जाएगी। शी कम्प्लीटेड 1.5 ईयर्स एंड काफ़ी अच्छी हाइट इंक्रीज हो चुकी है, देख सकते हो ऑलमोस्ट बैठने के बाद इतनी ऊपर ही आ रही है। ये जो कलर है इसको बोलते हैं ब्राउन डोबरमैन ही बोल देते हैं, कुछ लोग रेड डोबरमैन, लिवर एंड टैन कलर भी बोलते हैं बेसिकली इसको। सो ये मेरी जो डोबरमैन है, पहले तो मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं कि यार आपने कहाँ से ली, क्या ली, तो यार ये अडॉप्टेड है, शी वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ ब्रीडर, मैंने इसको परचेज नहीं करा है। एंड कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि ये प्योर नहीं है, तो भाई मैंने कभी बोला भी नहीं कि ये 100% प्योर डोबरमैन है, बट डॉग तो है 100% नहीं तो 50% डोबरमैन तो ये डेफिनेटली होगी। मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई देना वैसे इग्नोर करता हूँ, बट कई बार ना मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। सो जब ये आई थी बहुत ज़्यादा ये मैल नरिश थी, इसकी डाइट मतलब इसका जो वेट था एंड बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर थी ये। तो मैंने इसको क्या क्या दिया एंड क्या क्या डॉग फूड मैंने यूज़ करा, किससे मुझे रिजल्ट मिला, आज मैं उसी के बारे में आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सेट, सो जो सबसे पहला डॉग फूड मैंने यूज़ करा वो था रॉयल कैनिन का। एंड मोस्टली सभी डॉग जितने भी ओनर्स हैं सब ने एक बार ये यूज़ किया होगा। तो पहला जो जब पपी एज में होता है डॉग तो पपी स्टार्टर यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको रॉयल कैनिन पे रखा फर्स्ट 8-9 मंथ तक, जब तक ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ इसका। देन मैंने, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, सो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मंथली या इवन इफ यू कैन अफोर्ड, महीने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है एक डॉग फूड अगर आप अच्छा देना चाहोगे, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। सो फर्स्ट 1 साल मैंने रखा इसको रॉयल कैनिन पे एंड मैं काफ़ी लाइक सेटिस्फाइड था इससे रिजल्ट से। सो मैंने सोचा कुछ एक अल्टरनेट डॉग फूड भी ट्राई कर लेते हैं जो थोड़ा इससे चीप हो एंड अगर वो मतलब सेम रिजल्ट दे पाए। देन मैंने शिफ्ट करा इस पर, ये था जी भाई साहब हमारा पेडिग्री प्रो, प्रो वर्जन है इनका ये स्पेशल, और इस पर लिखते हैं ये 3 kg वाला पैक है एंड आई गेस 1800 में 3 किलो आ जाता है, ये जहाँ तक मुझे याद है, मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इन सभी डॉग फूड्स के, इनकी प्राइसेस आप चेक कर लेना। तो मैंने इसको कुछ टाइम इस पे रखा, तो भाई साहब आप यकीन मानोगे इसको ये इस पे शिफ्ट करने के बाद इसका जो वेट था वो बढ़ने की जगह घटना शुरू हो गया, जो इसका स्ट्रक्चर था वो और कमज़ोर होने लग गया। एंड मैं ये हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा, पेडिग्री प्रो तो छोड़ो, आप पेडिग्री भी मत देना अपने डॉग को, डोबरमैन क्या आप किसी भी डॉग को पेडिग्री तो खिलाना ही मत, अगर आप चाहते हो उसकी थोड़ी सेहत बने, थोड़ी वो मसल गेन करे या वेट गेन करे। बहुत ही घटिया किस्म की क्वालिटी लगी मेरे को पेडिग्री की, और प्रो वर्जन ऐसा है तो फिर नॉर्मल पेडिग्री में तो पता ही नहीं क्या ही डाल रखा हुआ है इन्होंने। इसमें जो ग्रेन होता है ना, फूड ग्रेन, सारे उसी चीज़ के पैसे हैं कि उसके अंदर जो उसका मिक्सचर है किस क्वालिटी का बना है। सो रॉयल कैनिन का जो ग्रेन है वो पेडिग्री प्रो से काफ़ी अच्छा है, बट वो भी एकदम बेस्ट नहीं है। देन मैंने कुछ टाइम के बाद ये बंद करा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था इसके रिजल्ट से एंड मेरी डॉग जो है वो वेट गेन करना भी वो छोड़ो कम होने और लग गया था उसका। एंड अगर कोई पेडिग्री से देख रहा है या फिर कोई जानता है किसी को, तो यार मैं आपको बोलना चाहूँगा यार अपनी यार थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव करो, अगर हम
1800 भी पे कर रहे हैं 3 किलो के या कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट तो जाए डॉग के अंदर। तुम पता नहीं क्या डाल रहे, इस पेडिग्री खिला रहे हैं। अच्छा भाई मैं कहूँगा तुम पार्ले जी का बिस्कुट दे देना अपने कुत्ते को, पर पेडिग्री मत देना, बिल्कुल यूजलेस बकवास डॉग फूड लगाने को। उसके बाद मैंने शिफ्ट करा इस पर, दिस इज ओरिजिन। ये भाई साहब सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो डॉग फूड है इस टाइम मार्केट में, ये वो है। एंड उसी के साथ आ जाती है इसकी प्राइस, ये पड़ा मेरे को 5000 का 4 kg। सो आप देख सकते हो 4 किलो अगर आप 2 टाइम देते हो तो मुश्किल से 15-20 दिन चलेगा आपका, एंड अगर आप 1 टाइम देते हो तो मे बी अ मंथ। इसके अंदर जो लेकिन ग्रेन क्वालिटी है, ये बनाया रियल मीट फिश, डिफरेंट तरह के मीट्स इसमें यूज़ करे हुए हैं उन लोगों ने, बट जो क्वालिटी है ना वो तुम्हें दिखेगी कुछ दिन में ही खिलाने के बाद, क्योंकि पैसे के भाई इसी बात के पैसे हैं। अब जितना पैसा तुम खर्च करोगे डाइट पे, हम इंडियन लोगों की मैंटेलिटी क्या है, हम ना बहुत सुनने में बड़ा ख़राब लगेगा बट हम लोग एक्चुअल में बहुत चीप किस्म के लोग हैं, हमारी मैंटेलिटी बहुत चीप है। हम सोचते हैं हम एक बार पैसे खर्च कर दें फिर हमें करने ना पड़े। सो अगर आप डॉग ले रहे हो, सपोज़ आपने एक डोरमैन लिया 20-25 हज़ार रुपये का, पहली बात तो यार 20-25 हज़ार में कोई असली डोरमैन आता ही नहीं है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी है कि 5-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार में आपको डोरमैन मिल जाएगा। मैंने इस पर पूरी रिसर्च कर चुका हूँ, मैं मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है डोरमैन पालते हुए एंड इस पर रिसर्च करते हुए, एंड मैं खुद एक प्लान कर रहा हूँ एक प्योर ओरिजिनल यूरोपियन डोरमैन लेने का। तो मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि प्योरिटी होती क्या है और उस प्योरिटी के कितने पैसे लगते हैं, और इंडिया में अगर आपको प्योर डोरमैन लेना है तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। सो उसको अभी इग्नोर करते हैं, हम डाइट पे स्टिक करते हैं। तो इसके अंदर जो ओरिजिन है ये 5000 फॉर 4 kg, इसमें जो लेकिन जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का डॉग फूड है। अगर आप इस पर अपने डॉग को रखोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। एंड जो मैं बात बोल रहा था चीप मेंटालिटी वाली, वो ये थी क्योंकि हम लोग यार हम सोचते हैं खाने में पैसे खर्च ना हो, एक बार हमने कुत्ता ले लिया तो बस वो वैसा बन जाए। हम इंस्पायर्ड तो हैं बाहर की वीडियोस फोटोज से देख के कि फॉरेनर्स कैसे कुत्ते रखते हैं, पर उनकी डाइट भी तो देखो यार, यहाँ हम इंसान ही वो डाइट नहीं खा पा रहा जो कुत्तों को दे रहे हैं, और कुत्तों को तो फिर हम क्या ही दे रहे हैं। तो कंपेयर करो, अब जैसा तुम जितना पैसा खर्च करोगे वैसे ही तुम डाइट दोगे, वैसे ही तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। इसके साथ साथ मैंने जब मुझे लगा कि भाई ये पेडिग्री प्रो पे थी जब ये परी, कि यार ये तो बहुत ही बेकार रिजल्ट आ रहे हैं, एंड मुझे एक किसी ने, मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मेरे को एक सप्लीमेंट के बारे में पता चला, दिस इज़ गोरिल्ला मैक्स करके सप्लीमेंट है ये। ये 30 सर्विंग आती है इसकी एंड ये 3500 का था, बट बिलीव मी गाइज, एक महीने में और इसकी 30 सर्विंग ख़त्म होने में जो डॉग की परफॉर्मेंस एंड डॉग की जो स्ट्रक्चर, डॉग की जो हेल्थ थी ना वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर गई। आई विल हाईली रिकमेंड दिस गोरिल्ला मैक्स कैनाइन परफॉर्मेंस सप्लीमेंट। अगर किसी को एक्चुअल में रिजल्ट देखना है ना तुरंत फास्ट 1 महीने में, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना, मेरी तरफ से थम्स अप है। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड इन लिंक से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, कभी सोचो मेरा कोई कमीशन है ना, मुझे कमीशन की ज़रूरत ना, मैं उस तरह का इंसान, मेरा अपना खर्चा खुद चलता है भाई, इन कमीशनों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता ना मुझे ज़रूरत है। सो गोरिल्ला मैक्स आप ट्राई कर सकते हो, एंड इसी का एक सब्स्टिट्यूट मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है, दिस इज़ बाय वेटलैंड न्यूट्रिशन एंड दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा। ये उससे कंपेरेटिवली सस्ता है, ये 1000 रुपीज़ का है, ये भी वही है, एंड इसकी अगर मैं देखूँ नेट वेट है इसका 250 ग्राम एंड ये पड़ा है मेरे को 1299 यानी 1299 रुपीज़ का। ये अभी मुझको अभी ट्राई करना है तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, और जितनी भी चीज़ मैंने अभी तक ट्राई करी वो सारी मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है अपने डॉग पर, एंड जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था वो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी वेट करके बनाई, मैं चाहता था एक बार मैं खुद ट्राई कर लूँ, रिजल्ट मुझे को पता हो तभी मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग ना कुछ भी किसी भी ब्रांड से पैसे लेते हैं उस पर वीडियो बना देते हैं, आप ये खाओ ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने किसी से भाई कोई पैसे नहीं लिए, ये सारे मेरी खुद की कमाई, खुद के पैसों से खरीदा हुआ सामान है, अपने डॉग पे ट्राइड है, फिर मैं आपको ये रिजल्ट दे रहा हूँ। एंड जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ, और मेरे रिव्यू मेरे वीडियोज़ हमेशा रियल एंड रॉ बेस्ड होती हैं। सो
किसी को ये लेना है तो मैं इसका भी दे दूंगा, बट अभी मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ट्राई नहीं करा है। दिस इज सीरियल पैक। सो ये तो बात हो गई डॉग फूड एंड सप्लीमेंट्स की। एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक कैल्शियम ज़रूर रखो। ये अभी फ़िलहाल मैं ड्रूल्स कंपनी का कैल्शियम यूज़ कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट कैल्शियम। इसमें कोई पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम इज़ कैल्शियम, किसी भी कंपनी का कर लो। सो दो टैबलेट देता हूँ मैं उसको, एक सुबह एक शाम को। तो कैल्शियम सपोर्ट होना एक ज़रूरी अच्छी चीज़ है आपके डॉग में। सो आई गेस दैट्स इट अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप पर्सनल सजेशन चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन बटन है, आप उसको दबाइए, आप चैनल मेंबर बन सकते हैं। जिस तरह की आप मेंबरशिप लेंगे उस तरह की आपकी मैं हेल्प कर पाऊँगा बेस्ड ऑन योर मेंबरशिप लेवल। एंड अगर आप मेरे डॉग की और पिक्चर्स एंड वीडियोस देखना चाहते हैं सो आप उसको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इस इंस्टा यूज़र नेम अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की मैं ट्रेनिंग डाइट एंड वीडियोस बनाता हूँ अपने डॉग के साथ। सो उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछ रहे हैं तो आप उधर फॉलो कर लें, उधर मैसेज करें। बट हेल्प उनकी हो पाएगी जो मेंबर बनेंगे चैनल के, फ्री हेल्प किसी के नहीं है भाई। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, यूट्यूब पे जो वीडियो डालता हूँ सब फ्री हैं, देखो इन्जॉय करो। पर पर्सनल कोई मेरी हेल्प चाहिए फ़ोन पर, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, सब अवेलेबल है बेस्ड ऑन द मेंबरशिप यू गाइस टेक। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी और चीज़ पे वीडियो तो आप कमेंट कर देना नीचे, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मेरी डोरमैन से रिलेटेड होगी वो प्योरिटी पे होगी, कि प्योर डोरमैन कैसे पहचाने एंड कितने पैसे एक्चुअल में आपको खर्च करने पड़ेंगे प्योर डोरमैन ढूंढने के लिए, एंड कौन है इंडिया में वो लोग जो प्योर डोरमैन ब्रीड कर रहे हैं, ब्रीडर्स। मैं अब इस पर अपनी पूरी रिसर्च कर चुका हूँ, मुझे ऑलमोस्ट एक साल लग गया इसको सारा समझने में। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं उसमें आपको भी नॉलेज शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बहुत मेहनत लगती है। एंड मैं अपनी तरफ से एकदम जेन्युइन कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट दैट बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, तभी वीडियो को पता चलेगा, नहीं तो आपको वीडियो मेरी मिलेगी नहीं। इसी के साथ करते हैं ये वीडियो यहीं ख़त्म एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।